बीएड और एलएलबी के छात्रों के रिजल्ट को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन छात्रों की मांग को लेकर आगे आए हैं, जिसके चलते आज सैकड़ों छात्र टीएवीवी परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे हैं। इसी दौरान स्टूडेंट की कॉपी एक बार पुनः चेक करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य होते हैं और जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में ताला बंद करने की भी चेतावनी दी है। कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी के लेटर लेने से मना कर देता है, क्या कार्रवाई की आप लोगों ने अब तक उस पर? फेंक देता है आपका लेटर, फेंक देता है आपका अपमान, और आप लोगों ने क्या किया आज तक उसको? 15 लाख लोगों ने वर्ल्ड 3 में सिलेक्शन लिया सर यूनिवर्सिटी में। आपको ये थोड़ी, हम बीसीए डीएवीवी के, हम वाइस चांसलर है, हम रजिस्ट्रार है, ये नशा उतारना पड़ेगा, बच्चों की बात ढंग से सुनना पड़ेगी और उनका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये ज्ञापन आवेदन बहुत करते हैं हम, और आप पैसे दो आपको बैक डेट की डिग्री ला के दे दूंगा। ऐसा खेल चल रहा है, 2 साल पहले की डिग्री दे देंगे आपको। और ये लोग सिलेक्टेड है, शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड है और बीएड वाले आ रही है। जब आपने किसी कॉलेज की मान्यता नहीं दी तो आपको हमारे सामने नहीं मिल सकती। हमारे सामने काफी चेक किया है, आज का सर्वोच्च एक आदमी आता है तो उसकी तो सुनता ही नहीं है। अब आज इतने आए बोले 5 को लिया, 2 को लिया, मिलता है। 2 महीने में हमने कई आवेदन दे दिए हैं लेकिन उसका अभी तक निराकरण। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। सहानुभूति हर बार मिल जाती है लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें सॉल्यूशन चाहिए। ये ज्ञापन आपन आना, ये रोज की रोज नहीं मगजमारी होती है। या तो आप नौकरी छोड़ के चले जाओ और वो कर लो, या बंद कर दो डीएवीवी, नहीं काम हो रहा तो। अरे यूनिवर्सिटी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन तेरी तानाशाही। वहीं बीएड बोर्ड सेमेस्टर की छात्र का कहना है कि उसके पहले भी 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसमें 3400 से अधिक बच्चों को एटीकेटी दी गई है, जिसका छात्रों द्वारा आंदोलन भी किया गया था। और कुलपति ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फिर से कॉपी चेक करने की बात की गई थी, लेकिन 1 माह तक कोई रिजल्ट नहीं जारी किया। वहीं प्रभारी कुलपति पीएस कटियाल ने बताया कि लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर डीएवीवी निराकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुलपति के निर्देश पर यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड और एमएड के 700 कॉपियों का रिवैल्यूएशन फिर से कराया गया है और उसमें यही पाया गया है कि बहुत कम छात्रों के नंबर बढ़े हैं, जबकि कुलपति ने 15 अक्टूबर तक का समय दिया था। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए शाम तक बैठे रहेंगे, जब तक इस भविष्य पर कुलपति या कोई आश्वासन नहीं देते हैं, उन्होंने तालाबंद की चेतावनी भी दी है। वहीं खरगोन जिले से आई छात्र ने कहा कि ओपन बुक का रिजल्ट खराब आया है, जो 33% रिजल्ट आया है। 18% रिजल्ट बनने के बाद भी एक विषय में रोक दिया गया है। टाटा एनालिसिस से छात्रों को परेशान किया जा रहा है। 1.5 साल बाद रिजल्ट आने के चलते कई तरह की कंपटीशन एग्जाम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जो बाहर से आने वाली छात्राएं एटीकेटी एग्जामिनेशन नहीं देते हैं और ना ही खुद का खर्च उठाते हैं, जिससे नाराज स्टूडेंट द्वारा आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया है और रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग भी की है। हालांकि छात्रों का आरोप है कि एक बार फिर से कॉपियां जांचने की मांग की जा रही है, लेकिन पहले ही छात्रों की कॉपियां बाहर से जांच कराई गई है। जो भी कॉपी आ जाती है वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जांची जाती है, जिसे कोई अलग से प्रावधान नहीं होता है कि कॉपियां जांची जाए। यदि बच्चों को रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है
तो वह एक निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपनी कॉपियों की पुनः रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। अभी मेरा 14 तारीख को एमएड का ओपन बुक से रिजल्ट आया है, लेकिन सर इतना खराब रिजल्ट आया है, 23% रिजल्ट आया है, और हम लोगों का अच्छा पर्सन बनने के बावजूद भी हमको एक सब्जेक्ट में रोका गया, डाटा एनालिसिस। हम यहाँ आके मांग कर रिवल रिव्यू का, तो वो मानने को राजी नहीं हो सकती। रूल के खिलाफ है। तुमने कॉपी ऐसी लिखी होगी वैसी लिखी करके हमारे को इग्नोर किया जा रहा, डीमोटिवेट किया जा रहा है। कॉपी चेक कर दी जाए। मैं खरगोन से आई हूँ सर, सेल्फ पर डिपेंडेंट हूँ ना, मेरी फैमिली वीक है, पुअर है, और मेरे को पैसा नहीं मिलता है सर। 19-21 की बैच की हूँ सर, लेकिन 1.5 साल बाद रिजल्ट लेट आने से मैं ना फोर्स वालों के साथ एटीकेटी एग्जाम दे सकती हूँ, ना मेरा खुद का खर्चा उठा सकती हूँ। मैं आपका नाम रेखा कनाड़े। आज का जो प्रदर्शन है वो इसलिए है कि जो बीएड और एलएलबी में जो समस्याएं चल रही है, और गुरु गोविंद सिंह जो कॉलेज है फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, जिसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी, और यहां पर 3000 बच्चों को फेल कर दिया गया बीएड और डीएड में। 80% बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। जो बच्चे वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में पास हो चुके हैं, उनको यहाँ पर इन्होंने फेल किया है, और उनको ये बार बार बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन ईरर है। तो ह्यूमन ईरर आप मतलब के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? और यहाँ पर 5-5, 6-6 बार बच्चे आवेदन देके जा चुके, लेकिन यहाँ के कुलपति रजिस्ट्रार इतने ज़्यादा इस कुर्सी के नशे में चूर हैं कि वो बच्चों से ठीक से बात नहीं करते। कुलपति से तो मिलने तक का समय नहीं इन लोगों के पास। आज बच्चे बाघ टांडा झाबुआ राजगढ़ बहुत दूर दूर से आकर अपनी बात रख रहे हैं, और इतना यहाँ बच्चे सुसाइड करने तक की बात कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग अगर ठीक से कॉपी चेक नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। जो एक यूनिवर्सिटी डीवी का नाम था, जब से कुलपति रजिस्ट्रार आए हैं ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में लगे हैं, और इन्होंने इसको पैसे वाला एक वो बना लिया स्कैंडल की बच्चों को फेल करो, 300-300 रुपये लो, और अगर 3000 बच्चों से आप सोचिए कितना पैसा जा रहा है। और एक जो फर्जीवाड़े जो कॉलेज चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चे ये उस पर वेबसाइट पर भी नहीं डालते कि इन कॉलेजेस की हमने मान्यता रद्द कर दी, वो इनके यहाँ से अगर लेटर भेजते हैं तो वो भी इनको इनकी कोई औकात नहीं समझता, वो फेंक देता है कूड़ों में। तो इस तरह की ये यूनिवर्सिटी जहाँ वाइस चांसलर की ना चलती हो, रजिस्ट्रार की नहीं चलती हो, तो ऐसी यूनिवर्सिटी पे तालाबंदी कर देना चाहिए। और हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इसका सॉल्यूशन, आवेदन बहुत दे चुके हैं। और बाकी इन बच्चों की वेदना आप खुद सुनिए, क्योंकि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जो है छात्रों का संगठन है, जो हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहेगा और हमेशा आएगा। रजिस्ट्रार और कई कुछ अधिकारी आए भी थे, क्या बात हुई? वो तो बोल रहे हैं कि आप रिवल डाल दो या कर दो, उनको तो बस उनको तो सत्ता के जो यहाँ के जो इसका कुर्सी का नशा है, उन लोगों को वो हमारी बच्चों की गलती बता रहे कि हम तो ये कर लीजिए। हमें रास्ता चाहिए, बच्चों की वापस से एक कॉपियाँ चेक हो, वापस से हो, ताकि उनको टाइमली हो। ये बार बार आवेदन देने का काम, या रोज़ बच्चे धरने देने के लिए बैठे, बच्चे भविष्य बनाने के लिए बैठते हैं। तो इस रजिस्ट्रार और इनको समझाएं, हमको इनसे ऐसी कोई बात नहीं करनी, सोल्यूशन लेकर आए। कुलपति को आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी, और आज ही सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आए, नहीं तो इनको भी से जाने नहीं दिया जाएगा, नहीं तो शाम तक 5 बजे तालाबंदी कर दी जाएगी। आपने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं कि पॉलिटिकल के हिसाब से यहाँ पर लोग आए हैं, सत्ता में बैठे हैं, और इनकी एग्जाम तक करवाने की आपने बात। हाँ, तो कह रहा हूँ ना, जब बच्चे 80% फेल हो सकते हैं तो आपने पढ़ाया क्या? फिर आपकी कमजोरी है, आपकी शिक्षा में कमजोरी है, तो इनकी एग्जाम लेना। कुलपति की लेते हैं, कितना पास होता है, तो पॉलिटिकली आया होगा ना, रजिस्ट्रार भी पॉलिटिकली आए हैं, तो इनकी एग्जाम लेना। देखे ना, ये सारे जितने टीचर हैं कितने पास होते हैं, सारे 0 लेके आएंगे। ये तो बच्चे प्री मेंस सब में निकाल के आए हैं, आज जो टॉप रैंक आए हैं वो बच्चे फेल कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हो आप, काफी नशे में हो क्या? क्या ओपन बुक में फेल कर दिया? कुछ बच्चों को जिनने एग्जाम दिया उनको अब्सेंट दिखा दिया। भाई वे नशा करके बैठे हो क्या? ये तो या तो कोई ठेका खोल लो यूनिवर्सिटी की जगह। राधे जाट, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेटेड राष्ट्रीय कोर कमेटी से। सर मैं बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ, और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार आके ज्ञापन सौंप चुके हैं, और 3400 के समथिंग मतलब बच्चों को एटीकेटी दी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ आके आंदोलन किया तो कुलपति मैडम ने कहा था कि हम लोग ई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की कॉपी फिर से चेक करवाएंगे। हम लोगों ने वेट किया 1 महीने तक, कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने हमें 15 अक्टूबर तक की डेट दी थी। इसके बाद में सर मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 7 नंबर है, तो फिर उसके बाद में जब देखा तो रिजल्ट भी सेम ही आया। और इन्होंने बाद में ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ सैंपलिंग के लिए कुछ कॉपी भेजी थी जिनके 15 या 20 से ऊपर नंबर थे। तो सर अगर हमने हमारे 7 नंबर है, हमने सही लिखा है, तो मतलब हमारी कॉपी ही ओपन नहीं की जाएगी क्या? मैं फिर भी मेरी कॉपी 550 रुपये दे के बुक रिव्यू में देख के आई हूँ, और मैंने देखा तो मेरा दिमाग हिल गया है, क्योंकि
मुझे 20 नंबर के जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के उसमें 4 नंबर देके छोड़ दिया गया, और जो जो मेरे 11 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के उनमें सिर्फ 3 क्वेश्चन में मुझे एक एक नंबर दिया गया और वो बाकी सारे क्रॉस कर दिए। मैं खुद भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, अगर बच्चे ने रिलेवेंट लिखा है तो आप इसे 0 नंबर कैसे दे सकते हैं, है ना। मेरा DAVB प्रशासन से ये सवाल है कि अगर बच्चे ने CCTV क्या होता है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी उससे रिलेटेड लिखेगा, आप उसे 0 नंबर कैसे दे सकते हो। तो मैं तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस से पास आउट हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो चुका है, ये मेरा 101 नंबर है। और अभी जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि उसकी काउंसलिंग चल रही है, मेरे 101 नंबर है, क्वालिफाइड हूँ, मेरी 4000 की रैंक चल रही है। अब 8 दिसंबर को मुझे मेरी 4th सेम की मार्कशीट अपलोड करना है पास की, और यहाँ पे ना तो कोई रिजल्ट आ रहे हैं ना ही कॉपीज ठीक से चेक की जा रही है। और हमारा क्या है, अगर रिजल्ट समय पे नहीं दिया गया तो फिर हम लोगों के हाथ से एक नौकरी जो लगी है बड़ी मुश्किल से हाथ, वो भी चले जाएगी। सीमा विश्वकर्मा, BEd 4th सेमेस्टर, अरिहंत कॉलेज की छात्रा हूँ। सर, कुछ बच्चे आए थे अभी नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, कॉपियाँ चेक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? इसमें हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से BEd और MEd दोनों की ही 700 कॉपीज़ का करीब करीब वैल्यूएशन फिर से करवाया गया है, और उसमें यही पाया गया है कि बहुत कम मार्क्स वगैरह जो है वो बढ़े हैं, और उसको बच्चों को सूचित भी कर दिया गया है। तो उसमें ये जो उन्होंने आरोप लगाया गया कि फिर से करवाया जाए, ऑलरेडी टोटलिंग हो चुका है और वो चीज़ कम्युनिकेट की जा चुकी है बच्चों को, उसमें बहुत कम अंतर आया है, और बाहर से करवाया गया है, यहाँ के लोकल एग्जामिनर से भी नहीं करवाया गया है। छात्रों का कहना ये है कि कई बार जो है नंबर हमारे जाँचे हैं मगर वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं छात्र, जो हमने पढ़ाई की है उसके आधार पर नंबर नहीं मिल पाए उनको। यहाँ तक कि रिव्यू करने की भी बात की उन्होंने, कई कॉपियाँ रिव्यू की है लेकिन उन्हें नंबर संतोष नहीं है। नहीं, अब इसमें तो ये है कि जो भी कॉपीज जांची जाती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ही जांची जाती हैं, और इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं है कि फिर से कॉपीज जचवाई जाएं। यदि बच्चों को करवाना चाहते हैं वो, तो रिवैल्यूएशन वो करवा सकते हैं, उसके लिए एक निर्धारित फीस है और वो जमा करवा के रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पर फिर भी माननीय कुलपति महोदया ने निर्देश दिए एग्ज़ाम कंट्रोलर जी को, और उन्होंने 600 से 700 बच्चों के, जैसा मैं बता चुका हूँ, फिर से कॉपीज चेक करवाई हैं, और उसमें मार्क्स करीब करीब नहीं बढ़े हैं, और ये बच्चों को सूचित भी किया जा चुका है। पर यदि बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं है तो वो रिवैल्यूएशन मोड में जा सकता है, और सभी कॉपीज जो हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा जांची गई हैं, पहले अपने यहाँ भी जचवाई गई हैं और फिर बाहर के विश्वविद्यालय में भी जचवाई हैं। कई छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन जो है उनकी परीक्षा हुई थी उसके बावजूद भी उनको नंबर नहीं मिल पाए। नहीं, ये तो फिर मैंने अभी उनको बताया है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांचता है और वो नंबर नहीं दे रहा है, इसका मतलब बच्चे की गलती है। तो इसके लिए यदि उसको आगे और करवाना चाहता है तो वो रिवैल्यूएशन मोड में जाए, और उसके बाद फिर से 3 एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, 2 एग्जामिनर, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर तीसरे के पास, और उसमें उसका निराकरण हो सकता है।